काम पर जाने से पूर्व राहुल भाई और मैंने बढ़ती गर्मी को मात देने के लिए गन्ने के रस का सेवन करना उचित समझा, जो हमारे शरीर के आधे गर्मी का नाश कर देता है। अच्छा। काम के मध्य हमें एक सुंदर सी कबूतर का दर्शन होता है। काम से छुट्टी कर यातायात के नियमों का पालन करते हुए मैं और राहुल भाई अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। मौसम की खराबी के कारण हमारे पूरे गांव से बिजली टाटा बोलकर चली जाती है, जिसको नजरअंदाज करते हुए मैं अपने फोकट के ट्रेनर लाला साहू के साथ जिम के लिए प्रस्थान करता हूँ। हम लोग जिम आ चुके हैं, जिम में आज कह रहे हैं हम लोग शोल्डर है लेग का वर्कआउट, जो कि लेग का वर्कआउट हमारे लिए घातक, इनके लेग में हैवी हैवी वेट मारना होता है। वाह, ऐसे संस्कारी गानों का आनंद उठाते हुए हम वर्कआउट करते हैं। अरे सुधरो रे अभी तो। समय के साथ साथ मौसम और भी ज्यादा खराब हो रहा था, जिसके कारण हमारे जिम से भी बिजली चली गई। हम दोनों ने सारा वर्कआउट समाप्त कर लिया, जिसके पश्चात आंधी तूफान को झेलते हुए मैं और मेरा मित्र अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां लाला साहू की माता एवं बहनें इसके इंतजार में बैठे हुए थे।